तीन बातें मैं आपको बताऊं। एप्रिहेंसिव नेचर, एक बंदे का कल इसलिए मैंने उससे बोला था कि जो तुम्हारा नेचुरल इनसे भी बनेगा, जो तुम्हारा नेचुरल है वो बोला करो, उनको सिखाएं क्या, वही लाइन हो जाएगी कि जैसा कैमरा लगा हुआ है वही आप बोल रहे हैं ना। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब ये जिस दिन मुझे याद आए थे, इसलिए मैं एक चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शायद ये भी काम करती है। ये है नहीं ट्रेनिंग का हिस्सा, लेकिन ये काम करती है। ये हमारे यहाँ से कैंडिडेट को रिसर्व था, उसके थ्रू आए होंगे कि पीछे मुलाकात नहीं थी, तो ये आया तो उसने मुझे प्रॉब्लम बताई। मैं तुम हर साल से इसलिए क्योंकि जॉब कर रहे हो, कहाँ हो, पुलिस आराम से मिले थे, संडे को मिल गए थे मुझसे, उसके बाद मुझे भी ध्यान दे रहा बीच में भीड़ में। अब ये जब आए हैं तो मैंने उससे कहा था कि जो तुम्हारी लेवल की प्रॉब्लम है, अगर तुम एक दो दिन में पीछे पड़े रहोगे तो हो जाएगा। और भाई देखिए बात है कि जहाँ पे इनका फाइनल हुआ वहाँ पे हमारे यहाँ से रूपम काम कर रही है, रिमझिम इस्पात। तो रिमझिम इस्पात में रूपम भी पहले जानी रही थी, उसको लग रहा था ओके, तो उसको लग रहा था छोटा ग्रुप है, वहाँ दूर का है और हमारा नाटक वाली चला रही थी, तो उसको बोला भी उसने काफ़ी कसर, उसका भी वीडियो पड़ा होगा पहले वाले। रूपम को अभी जो वो पी एच डायरेक्टर चाह रही थी आज उसी लेवल पर आ भी गई, मुश्किल से शायद मेरे ख्याल से तीसरा चौथा महीना होगा। मीन्स आप अगर एक बार अपनी ओर से एफर्ट्स कर रहे हैं और एक प्रॉपर एक हल्की से जिस इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो चीज़ों का फर्क पड़ता है। अब इनकी इंटेंसिटी जो थी वो ज़्यादा थी, ये सही जॉब में चले जाए ये जो फीलिंग होती है ना हमें अच्छा मिल जाए, ये भी बहुत बड़ा काम करती है। सेशन लेना, इंटरव्यू कराना, क्योंकि ये तो हमारा टास्क है, ये तो हम कर ही रहे हैं। बट इसके बाद में इंटरव्यू में हुआ क्या, क्यों नहीं हुए, ये उसके बाद में क्या चीज़ की कमी है, फॉलोअप करना, ये बहुत बड़ा काम करता है, ये उससे ज़्यादा काम करता है। पहले क्या होता था, अभी कैंडिडेट ने ये समझ लिया कि हमने यहाँ पे फीस जमा करी है, अब इनकी जिम्मेदारी है कि हमको भेजेंगे, करेंगे क्या करेंगे। फिर भी अभिषेक सर तो भेजते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपकी जो फीलिंग है कि हम बेटर जगह जाना है, ये हम लोगों के अंदर एक फील लाती है, वाइब्रेशन का काम है, और ये फील कर जाता है वो वहाँ पे भी। अब समझिए इंटरव्यू दिया था, पहला इंटरव्यू जिस दिन वो अंशु भी आया था, ये भी थे, ये भी उस दिन डाउट में थे जिस दिन पहले दिन आए थे, दोस्त के साथ जबकि आए थे, उसकी जॉइनिंग यहाँ से थी, डाउट जैसे वैसे ही चलता है, ऐसे वैसे ही होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए कल अंशु की जो जॉइनिंग हुई है वो 30+ के पैकेट में हुई, रीज़न कि वही 2 साल से जॉब में नहीं है बंदा। एक तो पहली बार जहाँ इंटरव्यू दिया वहाँ पर प्रोफाइल के बारे में हमने कहा देखो तुम जा रहे हो, तुम्हारी प्रोफाइल भी क्लियर नहीं है, पर मुझे क्लियर है कि तुमको वो इंटरनेशनल मार्केटिंग देंगे, और अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्रोफाइल उन्होंने रोक भी दी है, वो भी नहीं रहा इंटरव्यू, पर तुम जाओ। तो इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू फाइनल हुआ, और ये ऑफर लेटर उसको कल मिला। कल भी जब सुबह वो आया है तब उसके पास ऑफर लेटर नहीं था, दिल्ली जब आया था तब उसका वीडियो अपलोड किया गया, जब वीडियो अपलोड हो गया तो उसने ऑफर लेटर उसके पास आया। तो उसका नहीं कि मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि मैंने एक बार तुम्हारा नाम लिया, इसके बाद मैंने उनको दूसरी बार तुम्हें रिमाइंडर दी है जिससे उनको याद आ जाए कि मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। सीधे मैंने बात नहीं करी, डायरेक्टली बात नहीं करी, 1.5 से 2 साल से जिस दिन पहले दिन आ रहा है वही मुझे बता रहा है कि सर वो दिल्ली में और वहाँ पे गए कोचिंगों में, तो वहाँ पे हमने पैसा दे दिया, कुछ नहीं हुआ, तो वो अजीब तरह सी बॉडी लैंग्वेज थी उसकी। तो मैंने कहा तुम्हें रेप्रेहेंसिव, तो तुम्हें डिप्रेशन के मरीज लग रहे हो, और तुम्हें सब करने लग जाओ, सोचने लग जाओ, सब खराब है, दुनिया खराब है, दुनिया धोखा दे रही है, इस तरह की फीलिंग के साथ में आप जिससे मिलने जा रहे हो उसको कितना खराब लग रहा हो। पर उसने जब पहले दिन उसका इंटरव्यू हुआ नॉर्मल, उसका डिप्रेशन ठीक हो गया मुझे तो, जबकि फाइनल नहीं हुआ उस दिन, फाइनल नहीं हुआ, प्रोफाइल ही नहीं क्लियर थी उनको रखनी क्या है, उन्होंने उसको ये कह करके बस रिज्यूम रख लिया कि हम आपको अभी बॉस से अपने मिलाएंगे, फिर भूल गए करते हुए। फिर मैंने उनको एक बार याद दिलाया कि उसका क्या है, और उसने मुझे बीच बीच पर याद दिलाता था मुझे, तो ये जो फ़ोन बंदा करता है ना उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फिर मैंने उसको पूछा भी तो सर कैंडिडेट नो डाउट अच्छा है, कैंडिडेट नो डाउट अच्छा है, ये बार बार उन्होंने उसको कहा, तो मैंने कहा अगर अच्छा है तो कुछ तो करो। फिर मैंने उसको एक फिनांस का एक प्रोफाइल देने का प्रयास किया जिसमें वो कम्फर्टेबल नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये गया सुबह होता तो गया खत्म हो गया, क्लोज हो गया। तो उसके बाद में एक बार फिर मैंने बात करी, हमारा टॉपिक दूसरा था लेकिन उन्होंने उसके बाद में उसको कॉल कर दिया था, और आईबी इंटरनेशनल मार्केटिंग में हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक इतना ज़बरदस्त डाउट, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन, उसके बाद भी वो पैकेज लाना कानपुर में, अभी 1.5-2 साल का आपका गैप हो और आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग हो गई हो, चूँकि क्या आप बीच में जॉब के बीच में रहे नहीं, तो और जो लोग आपको बीच में मिले होंगे और आपने प्रयास किया होगा जॉब में, आपका हुआ नहीं होगा, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर भी, और नेक्स्ट हो रही है इंटरव्यू हो रहे हैं आप, तो फिर भी इंटरव्यू तो पहले ही दे रहे थे 1.5 साल से, कौन सी नई बात है, तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं लगता। तो अभी कल जब उसका फाइनल हुआ उसने खुद अपनी ओर से फील किया इस बात को, और इसलिए ये सब आप लोगों को बहुत बताना है कि आप लोगों को भी अपने बार बार चेंजेस के बारे में फीलिंग क्रिएट करनी है। फीलिंग क्रिएट होगी, फीलिंग क्रिएट करना भी जरूरी है, शादी करनी तो क्या जरूरी है भाई, सोचना है ना,
प्रॉपर्टी खरीदी सोचना है ना, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग बना रहा है, क्या कर रहा है कि डिजाइन कर रहा है ना, आर्किटेक्चर वो डिजाइन करके पहले से माइंड में रख रहा है ना। अच्छे से मान लीजिए आप यस बैंक में काम कर रहे हैं, अब आपने क्या सर ने प्रोफाइल चेंज कर दी, ये भी एक एग्जांपल है हमारे, ये सेल्स के ही रहे बंदे, ये सेल्स ही अपने को लिया है पूरा, इन्होंने अपना पूरा प्रोफाइल खत्म कर दिया जो सिखा रहा है, ये अपना आगे ऑफिसी प्रोफाइल में, अब इनकी जितनी भी जॉब लगी है सब ऑफिसी प्रोफाइल की लगी। तो एक बार आपको वो प्रोफाइल जिसको आप सोच रहे हैं ना, दैट हैज टू क्रिएटेड इन योर माइंड विद पॉजिटिविटी, और आपको ये चेंज, ये जब तक आप नहीं कर रहे एक स्टेप, तो हम कितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं आप जाकर इंटरव्यू दे देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ये जो फीलिंग है ये आपको नहीं कर देती। मैंने ये दो भी एग्जाम्पल्स करंट के जो आए हैं, इसमें मेरा एफर्ट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत, अगर मैं अपने एफर्ट्स की बात करूँ तो मैंने मेरे वीके शुक्लम करा दिया, ये भी एक तरह का हमें लगता मिथ है, हम लोग प्रयास करते हैं बट कैंडिडेट की जो पॉजिटिविटी होती है वो हमें लगता है जो उसकी फीलिंग होती है वो भी बहुत काम करती है। कई लोग हैं कि डाउट करते करते उनको लगता है कि हाँ सच की वाइब्रेशन पहुंचती है, तो इन चीज़ों को भी आप सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि आपको सोचना भी है, देखना भी है, बार बनाना भी है, कौन सी कंपनी थोड़ी सी तबीयत अगर खराब है तो एक इंटरव्यू कर रहे हैं आप यहाँ पे आए दे जरूर आइए, तो उससे कुछ नहीं होगा, होगा इंटरव्यू दिया पता चला कम पैकेज अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, इट्स ओके, बट एटलीस्ट यू आर इंटरेक्टिंग विद अ डिफरेंट थिंग, और एक दो बार मूड खराब भी हो रहा तो हो जाने दीजिए, उसका भी हमें फायदा आगे मिल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने एफर्ट्स किया था सुपर हाउस का, मेरे अंदर से ट्यूशन था क्योंकि मैंने जो पिछले चार इंटरव्यू हुए थे वो चार इंटरव्यू में चारों लोग रिजेक्ट हुए थे, और रिजेक्ट का बैकग्राउंड मुझे समझ में आ गया था कि क्यों हुआ है, तो वो बात मैंने इसको मतलब काफी दिमाग में डाल दी थी, ये मत वहाँ पर करना, जाके दही मत करना, और थोड़े दिन होल्ड रहा, पंद्रह दिन होल्ड में, उसके पहले जे के सीमेंट का इंटरव्यू दिया था, और उसके पहले एक इंटरव्यू और हुआ था, कुल इंटरव्यूज का भी फायदा हुआ, जो इंटरव्यूज में फायदा नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नहीं फायदा हो रहा उसका फायदा हमें अगले इंटरव्यूज में भी मिल रहा है, और एक दो इंटरव्यूज बेकार जा रहे हैं, ये बात सबको समझने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। और मैं आपको अभी बता दूँ कि क्लाउडी इन्वायरमेंट में पानी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीछे पढ़कर के हमसे ज्वाइनिंग करा दी, कोई नहीं आ रहे, आ गए पूछ ले चले गए पहुँच गए, वो सोच रहे कुछ नहीं हो रहा अभी, कहाँ हो रहा है कुछ हो नहीं रहा, उसमें भी हम आए और किया और वो ज्वाइनिंग हो गई, जो दो एग्जाम्पल मैं आपको करंट शेयर कर रहा हूँ। यू नीड टू थिंक अबाउट दी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजिशन एंड दैट फीलिंग जो आप क्रिएट करते हैं, और जो उसके लिए हमें आप फोन करते हैं वो भी बहुत काम करता है। अरे दोस्त उसका कई बार फोन आया, अब इसका कई बार फोन आया नहीं हुआ, तो इसलिए इसका मतलब ही इज लुकिंग फॉर ना, अब वो कर दिया वो सर जी आपके पास कहा तो सर आपने कुछ बताया नहीं हमको, ये वाला जो है ना, तो इसके लिए हम यानी कि मैच भी कर रहे हैं। फिर आपने अगर आप देखा हो तो कल हम लोगों ने कोशिश करना स्टार्ट की 15 लाख से 25 लाख के पैकेजेस के, हम उसके बीच में आने की में आ रहे हैं 15 लाख से 25 लाख के पैकेजेस वाले कैंडिडेट्स को, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे कई कैंडिडेट्स हमारे पास में जिनको हम लेकर के आए और वो भी होना चालू हो रहा है, तो इसके लिए आपके एफर्ट ज़्यादा जरूरी है। सर ये जरा चालू कर दो।